दोस्तों गवर्नमेंट का दावा है कि इन सभी बातों पर विश्वास ना करें, आप अपनी लाइफ को खुलने दें। और दोस्तों यदि आपको इस प्रकार का मैसेजेस या फिर मिले तो दोस्तों उसे हाथों हाथ डिलीट करें, आगे शेयर ना करें। जैसे दोस्तों जय श्री राम, दोस्तों आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल दामोदर में। और दोस्तों मैं दामोदर प्रजापत आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो तो दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल में पहले ही रीड कर लिए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की तरफ से आई नई एक प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, जो दोस्तों हमें दावा करती है कि तीन प्रकार के रेड टिक। तो दोस्तों ये तीन प्रकार के रेड टिक क्या है, इससे हमें क्या होने वाला है और दोस्तों ये कब से लागू होने वाली है और क्या दोस्तों इससे पहले भी इसकी कुछ घोषणा हो रखी है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी जानकारी ये वाली यानी व्हाट्सएप की तरफ से आई है तीन रेड टिक की जानकारी इस वीडियो में आपको सभी मिलने वाली। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को मैंने इसके एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना देर के चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि हम किसी भी बंदे या फिर किसी भी मेरे भाई और किसी भी मेरे बहन को या फिर किसी भी घर में किसी भी चाचा चाची को बुआ ताई जी को किसी को भी यदि हम मैसेज करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यदि मैसेज हम भेजते हैं यानी कि हाई मैसेज है या मान लो कि हमने उससे भेजा तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने एक मतलब नॉर्मली डार्क कलर का एक टिक आता दोस्तों। फिर दोस्तों ये यदि वो मैसेज यानी उस अगले वाले के फ़ोन में इंटरनेट ऑन है तो दोस्तों मान लो कि उसके फ़ोन में वो पहुंच गया वो मैसेज तो दोस्तों हमारे स्मार्टफोन में वो डबल टिक के रूप में प्रयोग मतलब हमारे सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों पहले तो टिक सिंगल था, फिर दोस्तों डबल टिक हो गया, फिर दोस्तों यहाँ फिर तीसरा आता है यदि उसने वो मैसेज जो मैंने हमने आपको या फिर किसी को भेजा है वो उसने सील कर लिया तो दोस्तों हमारे सामने वो दो ब्लू टिक के रूप में हो जाता है। तो दोस्तों ये सभी फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप तो पीढ़ी चलते आ रहे हैं यानी कि दोस्तों मतलब कब कई सालों से व्हाट्सएप चलते आ रहे हैं और दोस्तों इसमें जुड़े व्हाट्सएप से जुड़े 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे इंडिया के हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इससे मतलब ये तीन रेड टिक का क्या मामला है। तो दोस्तों तीन रेड टिक का मामला ये है कि यदि आपके मैसेज में कोई गड़बड़ी नज़र आती है गवर्नमेंट को यानी भारत सरकार को कोई गड़बड़ी नज़र आती है आपके मैसेज में तो दोस्तों सबसे पहले दो ब्लू टिक के साथ आपके इस टेक्स्ट मैसेज के साथ या फिर फोटो पिक्चर के साथ वॉइस के साथ वीडियो कॉल के साथ और दोस्तों बहुत सारे मैसेज जैसे PDF फाइल हो गया डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके PDF और दोस्तों बहुत सारी जो फीचर्स या फिर जो फीचर्स व्हाट्सएप प्रोवाइड करती है आपको किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करने के लिए उन सभी किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट को गड़बड़ी नज़र आती है तो दोस्तों वो सबसे पहले आपको एक टिक नज़र आएगी। एक टिक का मतलब होगा कि आपका ये मैसेज गलत है और दोस्तों जैसे ही आप और मैसेजेस भेजोगे तो दोस्तों उस पर डबल टिक आ जाएगा। तो दोस्तों डबल टिक का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को इसकी जानकारी लग गई है और गवर्नमेंट इसमें काम शुरू करना चालू कर दिया गवर्नमेंट। अब दोस्तों तीसरा है कि यदि तीन रेड टिक आ जाते हैं वो आपके उस टेक्स्ट मैसेज पर तो दोस्तों गवर्नमेंट ने आपकी नस को पकड़ लिया है और दोस्तों गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ने वाली। तो दोस्तों यही थे तीन टिक के मामले। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये हमारे भारत में अभी लॉन्च है यानी कि ये फीचर्स अभी उपलब्ध है तो दोस्तों मेरा जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों हमारे भारतीय सरकार ने कहा ये सभी अभी तक फर्जी है तो दोस्तों इन सभी बातों पर विश्वास ना करें। तो दोस्तों ये बातें 26 मई और दोस्तों 20 फरवरी से लेकर स्टार्ट होकर 26 मई तक चल रही है तो दोस्तों ये पहले भी बातें हो रखी थी। तो और दोस्तों गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये सभी बातें फर्जी हैं, हम क्यों आपके पर्सनल लाइफ में या फिर पर्सनल मैसेजेस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट का दावा है कि इन सभी बातों पर विश्वास ना करें, आप अपनी लाइफ को खुलने दें। और दोस्तों यदि आपको इस प्रकार का मैसेजेस या फिर मिले तो दोस्तों उसे हाथों हाथ डिलीट करें, आगे शेयर ना करें जिससे दोस्तों लोगों में भावनाएं गलत पैदा हो सकती है। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको भी प्राउड है अपनी भारतीय गवर्नमेंट पर तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल दामोदर को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से नीचे जाकर लाल कलर के बटन को प्रेस करके पास में इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी ऐसी ही वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपके छोटे भाई के छोटे से दिल से धन्यवाद, वंदे मातरम।